नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निखिन मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज के कुछ आगे के प्रश्न, ठीक है। जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ समाज को पढ़ा था और अब वहीं से आगे के प्रश्न हैं MCQ टाइप के, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को ध्यान से करिएगा और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, 62 प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, अब यहाँ से 63 प्रश्न, 63 जो दिया गया है भुज दंड, ठीक है। भुज दंड कौन सा समास है, भुज दंड में कौन सा समास है, तो भुज दंड का समास विग्रह करेंगे। भुज में है जिसके दंड, ठीक है, भुज में है जिसके दंड, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की या तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही हो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीही समास। ऑप्शन ख जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा, बहुव्रीही समास, ठीक है, बहुव्रीही समास, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि यदि किसी भी शब्द में अव्यय जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, अव्यय जुड़ा हो, यदि किसी भी शब्द में अव्यय जुड़ा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा और वो अव्यय पूर्व पद में जुड़ा हो, तो ये जो पूर्व पद है वो क्या है, एक अव्यय है, क्या है, अव्यय। और आप लोग जानते हैं कि जब पूर्व पद अव्यय हो तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीही समास, तो हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। जहां पे अव्यय जुड़ा होता है वहां पे कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन हमारा ख उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आनंद मठ कौन सा समास है, आनंद मठ कौन सा समास है, तो आनंद मठ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आनंद में है मठ में है आनंद, ठीक है, या आनंद में मठ, जो पूरा मठ है वो किस में है, वो आनंद में है, ठीक है, मठ में जो मठ है उसमें क्या है, आनंद ही आनंद है, और आनंद मठ में जो विभक्ति का लोप पाया गया है वो में विभक्ति का लोप है, किस विभक्ति का लोप है, में विभक्ति का लोप है। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर भी विभक्तियों का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है, कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, तो हमारा जो उत्तर है वो ग सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ग जो हमारा है वो सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, आनंद मठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिया गया है कि गजानन किस समास का उदाहरण है, गजानन किस समास का उदाहरण है, तो गज है जिसके आनंद, ठीक है, गज है जिसके आनंद यानी गजानन, तो गणेश जी की बात की जा रही है, गणेश जी का जो आनंद है, आनंद मतलब मुख, जो मुख है, जो मुख है वो किसका है, गज का है, किसका है, गज का है, गज है मुख है जिसके गज का, ठीक है, या गज का आनंद यानी गज का मुख, ठीक है, गज का मुख वाला, गज के मुख वाला कौन है, गज के मुख वाला हमारे गणपति बप्पा हैं, तो किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, ठीक है, किस पद की प्रधानता बताई जा रही है, तीसरे पद की, और तीसरे पद की प्रधानता जहाँ पर भी होती है वहाँ पर बहुव्रीही समास होता है, तो हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क हमारा ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देवस्थान, देवस्थान, देव स्थान, तो देवस्थान बताना है कौन सा समास है, देवस्थान में कौन सा समास है। तो देवस्थान का जब समास विग्रह करेंगे हम तो हो जाएगा देवों का स्थान। ठीक है, देवों का, देव का, देव का स्थान। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, का विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, का विभक्ति है। और जब का विभक्ति का लोप है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन हमारा घ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देवस्थान में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सागपात, सागपात कौन सा समास है, सागपात, सागपात का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा साग और पात, साग और पात। तो साग और पात यानी कि द्वंद समास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद समास, क्या हो जाएगा, द्वंद समास। ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही हो जाएगा, ख, ऑप्शन ख जो हमारा है वो सही उत्तर हो जाएगा, सागपात में द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचक्की में कौन सा समास है, पंचक्की कौन सा समास है। तो पंचक्की, पंचक्की को पवन चक्की कहते हैं, क्या कहते हैं, पवन चक्की, पवन की चक्की, तो पवन की चक्की, की विभक्ति का लोप है, किसका लोप है, की विभक्ति का लोप है। तो की विभक्ति का लोप है तो वहां पर जब विभक्ति का लोप है तो हम बताए हैं कि जहां पर विभक्ति का लोप है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया लोटा डोरी में कौन सा समास है, लोटा डोरी में, लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो लोटा डोरी, लोटा और, लोटा और डोरी, यहाँ दोनों पद प्रधान है। ठीक है, यहाँ दोनों पद प्रधान है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो हमारा क ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है विद्याधर्म, विद्याधर्म कौन सा समास है, विद्याधर्म, विद्या का, विद्या का धर्म। ठीक है, विद्या का धर्म, जो यहाँ पर लोप पाया जा रहा है, यहाँ पर का विभक्ति का लोप है, किसका लोप है, का विभक्ति का। और जब भी विभक्तियों का लोप हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो ख है वो सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन जो हमारा ख है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है बैलगाड़ी कौन सा समास है, बैलगाड़ी कौन सा समास है। बैलगाड़ी का समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा बैलों की गाड़ी। ठीक है,
बैलों की गाड़ी। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैलों की गाड़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि वहां पे की विभक्ति का लोप है। किसका लोप है? की विभक्ति का लोप है। तो की विभक्ति मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है, हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न दिया गया है मुख दर्शन कौन सा समास है। मुख दर्शन कौन सा समास है? तो इसमें जो समास बताना है कौन सा समास है। समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मुख का दर्शन। किसका दर्शन? मुख का दर्शन। ठीक है, मुख का दर्शन। इसमें का विभक्ति का लोप है। किसका लोप है? का विभक्ति का लोप है, अर्थात इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य, आप लोग बताइए पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक है, क्या है? दोनों पद प्रधान है। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। ऑप्शन क हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने इस प्रश्न को किया होगा। दिया गया घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? ठीक है, घनश्याम का जब समास विग्रह करेंगे तो श्याम है, श्याम रूपी घन। ठीक है, श्याम है जो घन, श्याम है जो घन। ठीक है, श्याम है जो घन, यानी कि कर्मधारय समास। श्याम है जो घन या घन रूप, श्याम रूपी घन। ठीक है, ये जो घन का जो विशेषता बताई जा रही है वो श्याम है, और इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम में कर्मधारय समास, ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेनापति, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? ठीक है, सेना का पति। ठीक है, सेना का पति, बहुव्रीहि का इसमें बताना है कौन सा समास है। तो सेनापति, सेना का पति, इसमें जो विभक्ति है वो का विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति का लोप है, का विभक्ति का लोप है। तो का विभक्ति का, विभक्तियों का लोप आपको पता है कि विभक्तियों का लोप किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ग है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग दिया है, ख के जगह ग दिया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देता है। अगला प्रश्न, असंभव, असंभव में कौन सा समास है? असंभव में ये जो प्रथम या पूर्व पहला जो पद है वो क्या है? एक एक अव्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ख जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये जो प्रतिदिन है इसमें प्रति क्या है? एक अव्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति
दिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी, पांच, पांच जो है यहाँ पर पहला पद क्या है? पंच, पंच मतलब पांच, एक संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण जहां पर भी होता है वहां पर आप लगाएंगे द्विगु समास। पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राज पुरुष, राज पुरुष कौन सा समास है? राज पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष यानी कि का विभक्ति का लोप, तत्पुरुष समास। ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ठीक है, पथ भ्रष्ट यानी कि भ्रष्ट पथों वाला, जिसके पथ भ्रष्ट हो, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीही समास। ऑप्शन घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन घ, बहुव्रीही समास, पथ भ्रष्ट, जिसके पथ भ्रष्ट हो या पथ भ्रष्ट पथों वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि चंद्रमा के समान शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, के समान जहाँ पर होता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजमहल कौन सा समास है? राजमहल, राजमहल राजा का महल, यानी कि तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया गौशाला, गाय की शाला, जिसमें गाय रहती हैं, गाय की शाला, की विभक्ति का लोप है, इसमें क्या है? की विभक्ति का लोप है, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या है? तत्पुरुष समास, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चतुरानन, चतुरानन, चार है जिसके आनन यानी कि मुख, चार है जिसके मुख यानी कि किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही हो, बहुव्रीही समास, कौन सा समास? बहुव्रीही समास, ऑप्शन जो हमारा क है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर, यानी कि कर्मधारय समास क्या होगा? कर्म ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? तो परमेश्वर का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास हो जाएगा, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर, ईश्वर को क्या बताया गया है? परम बताया गया है, परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर, हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है जो शब्द आया है, कर्मधारय समास, ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है षटकोण,
ठीक है। इसमें जो प्रथम पद है वो एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण में आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे, द्विगु समास। क्या लगाएंगे? द्विगु समास। तो षटकोण में क्या होगा? छकोण। षटकोण मतलब छकोण, तो क्या हो जाएगा षटकोण में? द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यज्ञशाला। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यज्ञ की शाला। यज्ञ की शाला यानी कि की विभक्ति का लोप है, यानी कि हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यही सही उत्तर है कि इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यथासाध्य कौन सा समास है? यथासाध्य में कौन सा समास है? तो ये यथासाध्य जो है इसमें पूर्व पद एक अव्यय है, तो इसमें कौन सा समास होगा? आप लोग जानते हैं कि पूर्व पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश का समास विग्रह हो जाएगा गृह में प्रवेश या गृह का प्रवेश। ठीक है, गृह में प्रवेश, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है नरसिंह। ठीक है, नरसिंह, नरसिंह, नर के समान है जो सिंह, नर के समान है जो सिंह, अर्थात नरसिंह कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, ऑप्शन ग हमारा, ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख, नर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है पर्णकुटी। पर्णकुटी, पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ता, पत्ता की कुटिया, पर्ण की कुटिया। पर्णकुटी में कौन सा समास है? पर्णकुटी का समास विग्रह हो जाएगा पर्ण की कुटिया यानी कि पत्तों की कुटिया, और की विभक्ति का लोप है यानी कि हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कार्यकुशल कौन सा समास है? कार्यकुशल का समास विग्रह हो जाएगा कि कार्य में कुशल, कार्य में कुशल यानी कि की विभक्ति, कार्य में विभक्ति का लोप, में विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ऑप्शन घ हमारा तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, ये आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, समास का ये क्या है, आखिरी प्रश्न है। इसके आगे वीडियो में हम पर्यायवाची करने वाले हैं, और समास को आप लोग अच्छी तरह से थ्योरी वाले वीडियो में समझकर पूरे ट्रिक के साथ, जिसमें हमने आपको पूरा ट्रिक बताया है, और वह ट्रिक देखने के बाद आप कोई भी परीक्षा में अगर समास पूछ देगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी परीक्षा में यदि समास पूछ दिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर समास की ट्रिक सहित पूरा थ्योरी बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समास के प्रश्नों को करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, और ट्रिक को जानने के लिए पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं पर्यायवाची के साथ। ठीक है।